I'm standing right next to the Pushkar Lake. मैं आने वाला है पानी मालपुए देख के. मतलब हम पागल हो गए, इतने क्योस है यहाँ पे. मैप है पुष्कर का छोटा सा. हॉस्टल में आप देख सकते हैं यहाँ लेक है, ब्रह्मा टेम्पल और आसपास ये सारी मार्केट है. ये पाप मोचानी सावित्री जहाँ हम ऑलरेडी जा चुके हैं और हम यहाँ पर हैं मैट पैकर्स, यू आर हेयर. और यहाँ से निकलते ही आपने देखा होगा, हमने कल आपको रेस्टोरेंट्स भी दिखाए थे, ब्लू स्टार, फंकी मंकी, वो यहीं है. एंड देयर इज अ पॉइंट, वर्गो पॉइंट सेमी बर्गर, वो भी हमने आपको वीडियो क्लिप दिखाया है, वो भी यहीं है. एंड देन वी आर गोइंग टू द बस स्टॉप. यहाँ पे हर आधे घंटे अजमेर के लिए बस निकलती है. गुरुद्वारा भी यहीं है. एंड यहाँ पे पुष्कर का एक बहुत बड़ा स्कैम है, तो अगर आप पुष्कर आ रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल. यहाँ पे क्या करते हैं, घाट एरिया पे पंडित लोग आपको फ्लावर देते हैं, तो अगर आप वो ले लेते हो तो वो आपसे फिर पूजा कराते हैं एंड देन आपसे बहुत पैसे लेते हैं. अपने फैमिली मेम्बर आपकी फैमिली में हैं उसके हिसाब से पैसे लेते हैं. और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है बहुत सारे फॉरेनर्स स्कैम हो जाते हैं, कहीं तो 5,000 देते हैं, तो विच इज़ वेरी फनी अकॉर्डिंग टू मी. आई हैव नेवर बीन स्कैम्ड इन पुष्कर, बट हाँ मेरे को पंडित जी की हाय ज़रूर लगी है कि तुझे श्राप लगा है, तुझे कभी पैसा नहीं मिलेगा एंड ऑल, बिकॉज मैंने उनको कुछ भी पैसा नहीं दिया था. और मैंने अपने गेस्ट को भी बोल दिया था कि अपनी इच्छा से 10-15 रुपये या 20 रुपये देने हैं तो दे दो. वो कहता 10 रुपये कौन देता है, ये वो, ये लड़की को श्राप लगेगा ना, तो ये मेरे साथ हुआ था. सो अभी हम बस निकलने वाले हैं. सो गाइज़, हम बस सावित्री टेम्पल जा रहे हैं अपनी स्कूटी पे. सो ये मेला ग्राउंड है जो अभी हमने आपको दिखाया वीडियो में, बहुत ही गंदा हो रखा है, ये ऐसा ही रहता है. और पुष्कर मेले के बाद तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है. हाँ, बिकॉज़ यहाँ पे अभी पुष्कर मेला हुआ था, पुष्कर कैमल फेयर, विच इज़ वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस, एंड दिस व्यू इज़ आफ्टर दैट, आफ्टर मेला इफेक्ट. या बट आई हैव सीन पुष्कर फॉर इन एवरी मंथ एंड आई नो कि ये कैसा रहता है, तो ये बहुत बेकार रहता है. जिसको भी मतलब एक्सपेक्टेशन है पुष्कर मेला बहुत अच्छा जाने वाला है, वो सिर्फ मतलब वो आप ग्राउंड देख सकते हैं कैसा. जैसलमेर इज अ बेटर ऑप्शन. हाँ, या अगर आपको डेजर्ट सफारी करनी है तो. और लोग यहाँ पे भी कैमल्स पे बैठते हैं, कैमल कार्स एंड ऑल सफारीज करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट. बट जस्ट लेट्स गो टू सावित्री टेम्पल नाउ. गाइज, आई कैन टेल यू, हमारे साथ बिल्कुल सेम सीन हुआ है लास्ट टाइम की तरह. एक्चुअली इस बार भी हमने सनसेट मिस कर दिया. सो हम यहाँ पे पहुँचे थे 5:15 बजे, बट देर वॉज अ लॉन्ग क्यू अहेड ऑफ अस. एंड या इट्स ऑल्सो विंटर टाइम, सो सनसेट इतना वो नहीं है, बट स्टिल द व्यू इज़ टोटली वर्थ इट. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको बहुत बहुत सारे लंगूर मिलेंगे एंड आई एम डैम स्केयर्ड ऑफ देम.
Also, the price of the cable ropeway is 107 plus taxes. So for the two of us, it costed us about 253 rupees. Yeah. Also, last time when I came here in the monsoon time, हमने सुबह sunrise hike की थी and in total 20 minutes हम stairs से ऊपर पहुँच गए थे and that was an epic experience. I think this trolley experience is also worth it. But also आपको stairs से भी ज़रूर आना चाहिए and also for all the fitness and adventure enthusiasts, I think that's a better option. Also मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टेयर्स से ही आना चाहिए क्योंकि ट्रॉली के बेफालतू इतने पैसे भरो और मतलब अगर आपको सनसेट देखना आपको लेट हो रही है तो ज़रूर आइए वरना आप स्टेयर्स से आइए प्लस आप में जोश आ जाएगा और आप जब आओगे आपको लगेगा वाओ इट वाज द व्यू वाज वर्थ डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल आपको 20 मिनट से लेकर 40 मिनट 50 मिनट तक लग सकते हैं और यहाँ पे चाय भी मिलती है ऊपर आके और सावित्री टेंपल में सबसे पहले आरती होती है उसके बाद गायत्री में होती है बिकॉज सावित्री फर्स्ट वाइफ है ब्रह्मा की और हाँ हमने गूगल सर्च किया था तो हमें पता चला कि ब्रह्मा टेंपल अब सिर्फ एक नहीं है दुनिया में अब और भी बन गए हैं बट सबसे ज़्यादा जिसकी महानता है वो पुष्कर के ब्रह्मा टेंपल की है बैठे हैं यहाँ पे रॉक्स पे बहुत अच्छा लग रहा है जिसको हाइट से डर लगता है थोड़ा उसको डर लगेगा यहाँ बैठने में बट एक्चुअली ये आई डोंट इवन रिमेंबर ये मेरा कौन सी बार है मे बी 16th और 17th टाइम आई एम हेयर बिकॉज मैं बैंड पैकर्स के साथ काम करती थी और मैं काफ़ी फॉरेनर्स को जो हमारे गेस्ट आते थे हॉस्टल में उनको यहाँ लेके आई हूँ और स्टोरी बताते थे हम सबको सावित्री टेम्पल की सो बेसिकली स्टोरी ये है कि ब्रह्मा जी की वाइफ थी सावित्री फर्स्ट वाइफ और उनको ब्रह्मा जी को सावित्री की ज़रूरत थी किसी यज्ञ के लिए और वो वहाँ पर नहीं आ सकी टाइम से तो उन्होंने गायत्री से शादी कर ली थी गायत्री बेसिकली काउ से पैदा हुई थी तो उनसे शादी करने के बाद सावित्री ने उनको कर्ज दिया कि आप आपको कोई भी कहीं पे भी वर्शिप नहीं करेगा फिर उन्होंने अपना कर्स थोड़ा लेस कर दिया उन्होंने कहा चलो आपको वर्शिप करेगा बट सिर्फ पुष्कर में करेगा इसलिए पुष्कर को लोग इतना मानते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं और आप मानोगे नहीं ये बहुत छोटा टाउन है मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ ये सही में छोटा है बट पुष्कर में 500 टेम्पल्स हैं दैट इज़ अ फन फैक्ट और स्वाति शो देम अराउंड वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ फुलड़ा बिछावारे मारगिया बुवारा फुलड़ा बिछावारे कृष्ण जीरा दर्शन पावा हर राम मोहन जीरा दर्शन पावा हर राम मारगिया बुवारा चावारे मर गया बुवार फुलड़ा बिछावारे कृष्ण जी रा दर्शन पावा हरे राम कृष्ण जी रा दर्शन पावा हरे Swati, try ringing that bell. हम बस निकल गए हैं सावित्री से अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल आज बॉनफायर है रात को तो देखते हैं हॉस्टल में क्या कुछ हो रहा है So today is our day
4 of the vlog. Yes, and last night was so much fun. We had bonfire at the rooftop of Matt Packers and we had peanuts and all that chit-chatting. Also, we went to Blue Star to have our dinner and we had some amazing Israeli food, which Kirti loves and I love. So we had like Malavach pizza, which is an Israeli pizza, but it's really good. If you come to Pushkar, do try Blue Star. Mera favorite restaurant hai wo Pushkar mein, aur mujhe bahut time ho gaya Pushkar mein rahe hue, aur main hamesha wahi jaati hu hummus pita and all khane ke liye. To please wahan jaiye aur khaiye. Aur humne pasta bhi khaya tha aur humne Malavach khaya tha. Also we had that one drink, no? Lemonana. Yes, it's really good. Famous hai Pushkar ki. Even in La Pizzeria it's really good. Also, if you wanna have bhang lassi, you can try that. Last time when I came to Pushkar on my birthday in March, I tried that. That was an epic experience. Let's, you know, keep that story for later on. But for now we are heading to Jaipur. और अभी local bus पकड़ने जा रहे हैं Pushkar के bus stop पे Gurudwara के पास वाला. वहाँ से bus निकलती है हर आधे घंटे, तो हम 15-16 रुपए में हम अजमेर पहुँच जाएंगे. फिर अजमेर से जयपुर देखते हैं कितना time लगता है. तो चलिए चलते हैं. Let's go. मारा दरियावे हिच कीरे मारो बाली लोच तारे फिरन आवे हिच की मारो बाली लोच तारे फिरन आवे हिच की